अक्षों के बीच और समीकरण से अंतःखंड की अगर लंबाई निकालनी है तो जो इक्वेशन दिया है 9x-12y=108, सबसे पहले चेक करेंगे कि इन दोनों का गुणनफल अगर इसके बराबर है तो जो हमारा अंतःखंड की लंबाई होती है वो ट्रिपलेट से बनती है, 9, 12 और तीसरा जो हमारा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।